सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई बार भेष से लोगों को भ्रमित किया जाता है। लोगों का भेष ऐसा होता है ना, जिससे आपको समझ में आए कि जैसा भेष है वैसा ही जीवन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सती जी ने भेष तो सीता जी का बनाया, लेकिन भेष बनाने के साथ में यह भी तो सोचना चाहिए कि सीता जी कैसे चलती हैं। तो सीता जी राम जी के आगे नहीं चलती हैं, कहां चलती हैं? उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया। तो पहले नजर किसकी पड़ी? लक्ष्मण दीख उमाकृत भेखा, लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, बड़े भैया बोलो ना, वो माता जी मिल गई? मिल गई कहां है? सामने ही बैठी हैं। अब राम जी ने गौर से देखा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये माता जी हैं, लेकिन तुम्हारी माता जी नहीं है। तो ये किसकी माता जी? राम जी बोले, हमारी माता जी। क्या अजीब मामला है, लक्ष्मण जी कह रहे हमारी माता जी, राम जी कह रहे हमारी माता जी। अच्छा, जब भोले बाबा ने ये दृश्य देखा तो भोले बाबा ने कहा, राम जी अगर ये लक्ष्मण की माता जी नहीं है तो आपकी भी माता जी नहीं है। तो ये माता जी हैं? हां। तो किसकी माता जी? भोले बाबा ने कहा, ये हमारी माता जी। अब आप मामला फंसने देना, जितना फंसेगा उतना ही हम आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी आपने इनको माता जी कैसे कहा, राम जी आपने माता जी कैसे कहा, भोले बाबा आपने माता जी कैसे कहा, प्रमाणित कर रहा हूं। लक्ष्मण जी नंबर वन, पहले आप बताइए आप इनको माता जी कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले, कह सकता हूं। क्यों? बोले, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधेउ कीर मरकट की नहीं। लक्ष्मण जीव है, लक्ष्मण जानता नहीं है, और अनजान व्यक्ति को किसी अनजान महिला से कानूनन व्यवहारिक सामाजिक माता जी कहने का ही अधिकार है, और कोई दूसरी बात नहीं कह सकता। बिना परिचय के आप किसी महिला को क्या बोलेंगे? इटावा वाले बोलो ना, माता जी ही बोलोगे ना। जैसे परिचय ना हो और आप बस में बैठे हो तो बगल वाली किसी महिला को कैसे कहोगे? ऐसे कहोगे ना, माता जी थोड़ा मेरे को भी बैठ जाने दो, ऐसे ही बोलोगे। ऐसे तो नहीं बोलोगे, भाभी जी जरा हटना, तो वो ऊपर नीचे देखेगी ये कहां से देवर जी प्रकट हुए, ये बिना वजह लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि बिना परिचय के आप भाभी जी नहीं बोल सकते, ये आप ठीक बात नहीं है। बिना परिचय के भाभी जी बोलना ये ठीक नहीं होगा, परिचय होने के बाद आप उसको भाभी जी बोल सकते हैं। लेकिन आजकल हमने देखा कि शहरों में भी एक ऐसा नया प्लान किसी ने चला दिया है कि हमें समझ में नहीं आता है, लड़के की बहू है उसको भी भाभी बोलेंगे, देवरानी है तो उसको भी भाभी बोलेंगे, और जो भाई की पत्नी है उसको भी भाभी बोलेंगे। क्या समझ में नहीं आता, यही पता नहीं लग रहा कि ये कौन किसकी भाभी है, कि क्या तमाशा है। अरे कम से कम ये तो मर्यादा होनी चाहिए, सबको थोड़ा है भाभी जी बोला जा सकता। आजकल ये ट्रेंड चला, इटावा में तो नहीं है, हमने इटावा में नहीं देखा, सब एक दूसरे को भाभी बोलते। वो बच्चे की बहू होगी वो भी भाभी, वो छोटी है तो भी भाभी, अरे उसका भी कोई मानक होगा कि ऐसे ही आप सबको भाभी बोल देंगे। अलग अलग विषय है ना, तो उसमें उचित नहीं है, ये मानक उचित नहीं हुआ। इसलिए कभी आपने ये कहां सीखा? आपने सीख लिया कि वो टीवी में सीरियल आते हैं उसमें सब एक दूसरे को भाभी बोलते हैं, वहां से सीख लिया। क्या कभी आपने सीरियल में रामायण को देखा? क्या आपने महाभारत को सीरियल में देखा? अगर आपने देखा तो फिर एक बार देखिए,
वही रामायण वही महाभारत इसी काल में निर्माण किए गए, लेकिन उसमें जो आप देखेंगे उसमें इस भाषा का प्रयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें शास्त्र सम्मत ढंग से रामायण वेद पुराण को देख करके बनाया गया, उसमें दीदी बहन जी ऐसा परिचय मिलेगा, लेकिन जो नहीं है उसका प्रयोग उसमें नहीं किया गया। तो ये एक अलग बात है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हमारी माता जी, राम जी कह रहे हमारी माता जी, भोले बाबा कह रहे हमारी माता जी। अब चलिए मैं इसको प्रमाणित करता हूं। लक्ष्मण जी की बात तो ठीक लगी, क्योंकि लक्ष्मण तो जीव है, तो जीव जानता नहीं है, अनजान में किसी माता महिला को माता जी ही कहने का अधिकार है। लेकिन श्री राम जी, आपने ये माता जी कैसे कह दिया? राम जी ने कहा कि देखो भाई, लक्ष्मण जानते नहीं हैं, लेकिन श्री राम भली प्रकार जानते हैं, ये मेरी सती माता है, और मैं जानबूझ करके माता को माता नहीं बोलूंगा तो अपराध हो जाएगा। तो राम जी की भी बात ठीक है, लेकिन भोले बाबा ये आपकी पत्नी है, आप इनको माता जी कैसे कहेंगे? भोले बाबा ने कहा आज तो कहूंगा। तो आज कैसे कहेंगे? कहा कि देखो, ये भले ही मेरी पत्नी हो, लेकिन आज हमें माता कहने का अधिकार है। क्यों? बोले अपना बेटा बेटी हो, लेकिन जब स्कूल में विद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक उत्सव होता है, तो उसमें बेटा बेटी स्टेज पर नाटक में भाग लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, उनके मम्मी पापा भी पंडाल में बैठे होते हैं, तो जब बच्चा नाटक में श्री कृष्ण बनता है, राधा बनता है, तो मम्मी पापा भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। करते हैं कि नहीं, बोलो भाई? करते हैं। तो ये भले ही पत्नी हमारी हो, लेकिन इस समय पाठ तो मेरी माता जी का कर रही है, धर सीता का रूप, इसलिए आज तो मैं उनको माता जी बोल सकता हूं। तीनों आदमी की बात ठीक लग रही है। देखो, कभी ये चिंतन में मत डालना कि पत्नी को हमेशा पत्नी ही मानेंगे, पत्नी को भी माता कहा जा सकता है। लो, एक नई बात आपके लिए छेड़ दी, पत्नी को भी माता जी कहा जा सकता है। तो आप कहेंगे पत्नी माता कब हो सकती है? सुनिए, कार्येषु मंत्री सयने सुरंभा, जब आप कार्य करते हैं ना, तो उस समय पत्नी का पद मंत्री का पद है, मंत्री की तरह सलाह दे, ये कार्य करने में मंत्री। सयने सुरंभा, सयन में रंभा का पद, और जब सेवा करे दासी का पद, और जब चौके में बैठ करके भोजन परोसे तो उस समय पर माता का पद है। जितनी देर भोजन परोसती है उस समय माता की दृष्टि से देखना चाहिए। शास्त्र ने पांच माताओं का उल्लेख किया, राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयिता मातरा भव। राजा की पत्नी मां, गुरु की पत्नी मां, मित्र की पत्नी मां, पत्नी की मां मां, और अपनी मां मां। जब इसको मैंने और आगे पढ़ा तो हमें लगा ग्यारह माताओं का उल्लेख, मौसी, चाची, मामी, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, सब माता के दर्जे में आती हैं। ओहो, और आज सती माता सीता जी का वेश बना करके बैठी हैं। सती यकीन सीता कर भेख, शिव मन भयहु विषाद। इन्होंने सीता जी का वेश बना लिया, मेरे आराध्य की पत्नी बनने का नाटक कर रही हैं। शिव मन भयहु विषाद। शिव मन भय,
शिव मन शिव मन शिव मन